एवरेज वेलोसिटी है ना। तो एवरेज का मतलब क्या? एवरेज का मतलब होता है पूरा टाइम इंटरवल में। जब भी एवरेज की बात होगी अपन पूरा टाइम इंटरवल कंसिडर करेंगे, पूरे टाइम इंटरवल में। जैसे सपोज करो कि मैं यहां से गया जयपुर गया, टोटल मान लो 5 घंटे लगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लो कुछ 200 किलोमीटर आया। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, बेसिकली जो एवरेज वेलोसिटी होती है इसको अपन इस तरह से डिनोट करते हैं, ऐसे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होता है अपने पास टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, लिख लेना। यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बोले तो डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, तुम्हें अगर याद हो तो मैंने तुम्हें जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था है ना, जब मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तब मैंने तुम्हें बताया था कि एवरेज रेट ऑफ चेंज, तब मैंने तुम्हें क्या बताया था, एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तुम्हें याद होगा। ठीक है, ये होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो जैसे यहाँ किसकी एवरेज रेट ऑफ चेंज बतानी है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की एवरेज रेट ऑफ चेंज है, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर। इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स आई कैप एक्स टू माइनस एक्स वन, डेल्टा वाई जे कैप वाई टू माइनस वाई वन, डेल्टा जेड के कैप, अगर के वाला भी है तो डेल्टा जेड भी होगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर मैं इसको अलग अलग कर लूंगा सबको तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप प्लस डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी के कैप। अगर मैं इसको और अलग अलग कर लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन गया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप प्लस डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी के कैप, है ना। बेसिकली देखो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या है, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी है ना, क्योंकि सिर्फ एक्स में डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स, तो एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यानी कि एक्स का एवरेज प्लस वाई डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी, ये क्या है, वी वाई का एवरेज। ठीक है, ये गलत लगा दिया मैंने, जे कैप लिखेंगे ना क्योंकि, तो वो वेक्टर नहीं लगाना, मैग्नीट्यूड सिर्फ यहाँ लिख रहा है जे कैप प्लस इसी तरह से जेड की एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी है यहाँ पर ध्यान रहे, स्पीड नहीं है, स्पीड अलग होता है, के कैप। इतना लिखो यूनिट, इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। ओके, किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है और किलोमीटर पर सेकंड भी हो, कई तरह की हो सकती है, पर मतलब मेनली जो बेसिक यूनिट है इसकी वो है मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो स्केलर है कि वेक्टर है। देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि स्केलर है कि वेक्टर है, बताओ, वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी। और इस, अच्छा अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन इज अलोंग अलोंग डेल्टा आर वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है उस तरफ एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये तीन बातें ध्यान रख, एवरेज एवरेज स्पीड
एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो डिफाइन है वो है डिस्टेंस से। एवरेज स्पीड जो होती है, देखो मैं यहाँ वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ सिर्फ वी लिख रहा हूँ, मैं वी वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ। एवरेज स्पीड इक्वल टू, ये होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। इसकी यूनिट भी क्या होगी, ये स्केलर है, वेक्टर नहीं है, तो आई कैप जे कैप के कैप की बात करने से कोई फायदा नहीं है। क्वांटिटी ये है स्केलर, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, और यूनिट इसकी सेम मीटर पर सेकंड लिख लेना, डिस्टेंस मीटर टाइम सेकंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड, ठीक है। एवरेज स्पीड को हिंदी में कहते हैं औसत चाल, औसत चाल। स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, यूनिट मीटर प्रति सेकेंड। ओके, अब एक बात हो, एवरेज स्पीड, एवरेज, मैंने स्पेलिंग शायद गलत लिख दी है, एवरेज शॉर्ट में लिख देता हूं, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना, फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल। क्यों एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा क्यों है, इक्वल भी हो सकता है अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए। देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होती है, इसलिए एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगी किसी पार्टिकल के लिए गिवन टाइम इंटरवल में। टाइम इंटरवल सेम, सेम कंडीशंस पे बात हो रही है, सेम कंडीशंस पे एवरेज स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेल। मैग्नीट्यूड क्यों, क्योंकि एक स्केलर है दूसरा वेक्टर है, तो वेक्टर को भी जो है उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। ओके, किसी को समस्या हो तो पूछो। हिंदी में इसको बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। देखो एक बात और मैं बता दूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर मान लो बोल रहा हूं, या सिर्फ वेलोसिटी भी लिखा हुआ है ना, अगर सिर्फ वेलोसिटी भी लिखा है तो भी उसका मतलब वही है, अगर सिर्फ वेलोसिटी भी लिखा है तो भी उसका मतलब इंस्टेंटेनियस है। अगर एवरेज पूछेगा तो स्पेशली लिखेगा एवरेज वेलोसिटी, कुछ ना लिखा है सिर्फ वेलोसिटी लिखा मतलब इंस्टेंटेनियस ही है। हिंदी में इसको बोलते हैं ताक्षणिक, तात्क्षणिक वेग, वेग। ओके, बेसिकली होता क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी जो होती है, ये बेसिकली क्या होती है, वेलोसिटी जो होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। बेसिकली जो अपनी एवरेज वेलोसिटी थी, वो जो एवरेज वेलोसिटी थी, उस एवरेज वेलोसिटी में जो अपने डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी था,
एवरेज वेलोसिटी जो थी अपने पास, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब अपन कर क्या रहे हैं, जैसे मान लो कोई भी पार्टिकल है, तो जो अपना टाइम इंटरवल है, मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन में सिखाया था कि अगर किसी इंस्टेंट में बात करनी हो तो वो दोनों पॉइंट्स को बहुत पास पास ले लो। जैसे एवरेज वेलोसिटी में तो डेल्टा टी बड़ा होता है, इंस्टेंटेनियस में अपन क्या करते हैं कि वो दोनों पॉइंट्स को बहुत नियर ले आते हैं, बहुत पास पास वाले पॉइंट, यानी कि सिर्फ डी टी टाइम के लिए बात करते हैं। अपन क्या करते हैं, सिर्फ डी टी टाइम के लिए, इस डेल्टा टी को अपन ने क्या बना दिया, डी टी। डी टी मतलब लगभग एक ही इंस्टेंट वो हो गया, वो डेल्टा टी जो रहा वो लगभग नेग्लेक्ट सा हो गया, जीरो सा हो गया, जीरो नहीं हुआ, एग्जैक्ट जीरो नहीं हुआ, जीरो को अप्रोच कर गया। और डेल्टा आर क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा आर हो जाएगा अलोंग टेंजेंट, बहुत पास पास वाले पॉइंट्स के लिए अलोंग टेंजेंट, और दूर वाले पॉइंट्स के लिए देखो अलोंग टेंजेंट नहीं होता, जैसे दूर वाला पॉइंट है तो अलोंग टेंजेंट नहीं है, पर अगर पास पास वाले पॉइंट है अलोंग टेंजेंट होता है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है अलोंग टेंजेंट, जो डायरेक्शन होती है इसकी वो होती है अलोंग टेंजेंट, ठीक है। कौन सा टेंजेंट, जो पाथ है उसका टेंजेंट, जो रास्ता है उसका टेंजेंट। ओके, तो ये सब मत लिखना, कोई जरूरत नहीं है इसकी, सिर्फ इतना लिख लो कि वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड लिखूंगा तो देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा डी एक्स बाई डी टी, अगर मैं x डायरेक्शन की वेलोसिटी लिखूंगा तो dx by dt i cap plus dy by dt dy by dt j cap plus dz by dt dz by dt k cap, ठीक है। तो ये बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x, ये क्या लिखा हुआ है, कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y, ये क्या लिखा हुआ है, कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग z। तो वेक्टर क्वांटिटी तो ये है ही सही, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट सेम मीटर पर सेकंड इसकी बनने वाली है, और डायरेक्शन किधर होगी इसकी, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, जिस रास्ते पे चल रहा है उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन, यानी कि dr की डायरेक्शन में किधर होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, देखो मिलाओ यहाँ पे, वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, डी आर की डायरेक्शन में, अलोंग टेंजेंट यानी कि डी आर, डी आर वेक्टर जो होगा अपना उसकी डायरेक्शन में होगी, ये है बात। इंस्टेंटेनियस स्पीड और स्पीड, देखो बड़ा आसान है, बेसिकली इंस्टेंटेनियस की जब बात होती है ना तो अपन क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैं बोल रहा हूं तुम लिख लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्यों भाई ऐसा क्यों, एवरेज में तो ऐसा नहीं था, एवरेज में तो अपन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिख रहे थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लिख रहे थे। देखो छोटे टाइम इंटरवल के लिए क्या होता है, छोटा टाइम इंटरवल डीटी टाइम इंटरवल में ये दोनों पॉइंट्स बहुत पास पास हैं, जैसे यू समझो बस मैं एक कदम आगे बढ़ा तो एक कदम डिस्टेंस बोलो कि डिस्प्लेसमेंट बोलो बराबर है, पर अगर मैं यहां से चलते चलते यहां पे आऊंगा तो डिस्टेंस तो ये वाली बनेगी जबकि डिस्प्लेसमेंट ये वाला बनेगा, ठीक है। बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए, बिल्कुल पास पास वाले पॉइंट्स के लिए वो डिस्टेंस और डिस्टेंस लगभग स्ट्रेट लाइन बोला जा सकता है, किसी भी कर्व में अगर मैं बहुत छोटा सा टुकड़ा ले लूं तो उस बहुत छोटे से टुकड़े को अपन लगभग ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे तो वेलोसिटी जरूरी है जरूरी है जरूरी जरूरी है स्पीड। कहने का मतलब ये है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि ये जो v था अपने जो v वेक्टर लिखा था dr by dt जो लिखा था, जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो तुम्हें इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। एग्जाम्पल
वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय दिस, मैंने डायरेक्ट वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। इस इक्वेशन को देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि x कंपोनेंट 3 m/s, y कंपोनेंट 4 और z कंपोनेंट -5, यानी कि डायरेक्शन बेसिकली -k कैप है। ओके, अब मैंने पूछा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मैंने पूछा तुमसे कि स्पीड बताओ, बताओ स्पीड बताओ कितनी है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर कितना है 3, 9, वाई कंपोनेंट है इसका 4, 16, जेड कंपोनेंट है हमेशा प्लस ही आएगा, ऐसे मत सोचो कि ये माइनस है तो -25 कर दो, है ना, माइनस नहीं करना है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब भी निकालना उसमें सब प्लस होता है, माइनस कुछ नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हुई है, लेंथ नेगेटिव नहीं हुई है उसकी। ओके, तो बस कितना बन गया ये 25 25 50 बन गया, √50। यूनिट बताओ m/s। ओके, बात समझ में आई, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, अगला क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v = 3i कैप प्लस 4j कैप, 4tj कैप प्लस 5t² k कैप, और ये पूरी यूनिट m/s में। ओके, m/s में पूरी यूनिट, जहां पे t टाइम है, t क्या है टाइम। फाइंड स्पीड एट t = 2 सेकेंड, t = 2 पे क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। देखो वेलोसिटी लिख रहे हैं पहले, v = 3i कैप प्लस 4 × 2j कैप प्लस 5 × t² यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 k कैप m/s। आई कैप क्या होता है, एक्स डायरेक्शन का वेक्टर, जे कैप वाई का, के कैप जेड का, टोटल स्पीड वेलोसिटी लिखो, 3i कैप प्लस 4 × 2 = 8 j कैप प्लस 5 × 4 = 20 k कैप। ठीक है, बस हो गया काम। स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी अपने पास रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 8 का हो गया 64 और 20 का हो गया 400। ठीक है, टोटल कितना हुआ, ये हो जाएगा टोटल 473 √m/s। ओके, फाइंड स्पीड एट t = 1 सेकेंड, पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय r वेक्टर, दे रखा है यहाँ पे t² + 1 i कैप और t² + 5 j कैप। फाइंड स्पीड एट t = 1 सेकेंड। सबसे पहले dr/dt करो, तो x कंपोनेंट का करो और y का भी करो, चलो करते हैं। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2t प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 और i कैप तो i कैप है इसे प्लस। ओके, नहीं एक और बात कर, √2 के 2 √2 और इसका भी डिफरेंशिएशन करो, ये भी हो जाएगा 2t प्लस 5 का 0, ये बन जाएगा j कैप। t की वैल्यू 1 डालो तो पहले तो वेलोसिटी आ जाएगी, ये तो आ गई वेलोसिटी, कितनी आई, t की वैल्यू 1 पे 2i कैप प्लस 2j कैप। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी यहां पे 2 √2 m/s। समझ में आई बात, गलती नहीं करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसी में अगला क्वेश्चन, पोजीशन दे रखी है और पूछ क्या रहे हैं, अब
अब तुम्हें बताना है फाइंड एवरेज वेलोसिटी, स्पीड नहीं वेलोसिटी, ध्यान रखना, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड मत निकाल देना, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड नहीं होता, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड जरूर होता है पर एवरेज में ये फंडा नहीं चलता। तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी इक्वल टू 1 सेकेंड टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड। टी बराबर 1 से T बराबर 2 तक एवरेज वेलोसिटी बताओ और उसका मैग्नीट्यूड भी बताओ। R1 वेक्टर, टी की वैल्यू 1 लिखो तो 1 + 1 2i कैप प्लस 1 + 5 6j कैप। R2 वेक्टर लिखो, R2 वेक्टर क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू 2 लिखो, 4 + 1 5i कैप प्लस 4 + 5 9j कैप। डेल्टा आर लिखो, डेल्टा आर, R2 - R1 5 - 2 3i कैप प्लस 9 - 6 3j कैप। क्या मिला, 3i कैप प्लस 3j कैप, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट और टाइम डेल्टा टी। पूरा लिखूं, पूरा लिख देता हूं, चलो 2 - 1 2 - 1 2 - 1। क्या बोला फाइनल आंसर, मैग्नीट्यूड लिखो इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड लिखो, पूरे का मैग्नीट्यूड 3√2 3² + 3² 3√2 मीटर पर सेकेंड। किसी को डाउट? एक पार्टिकल है वो ए से बी जाता है और फिर वापस आता है, जब वो ए से बी जाता है तो उसकी स्पीड जो है वो v1 है और जब वो वापस आता है बी से ए तो उसकी स्पीड v2 है। और ये v1 और v2 कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, जाते समय v1 है आते समय v2 है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बतानी है कंप्लीट जर्नी में। मान लो कि दोनों के बीच की डिस्टेंस है d, लेट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज d और l और x जो तुम लेना चाहो। a से b में जब वो गया, a टू b जब गया तो टाइम मान लो t1 लगा, कितना टाइम लगेगा, d/v1, ये बताने की जरूरत है क्या, d/v1। ठीक है, ठीक इसी तरह से वो वापिस लौट के आया तो टाइम कितना लगा होगा उसको, b से a जब आया होगा तो टाइम उसका लगा होगा t2 d/v2। ठीक है, अब ये मत पूछना कि ये कैसे लिखा, क्योंकि वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड लिखता है पहले, टोटल डिस्टेंस कितनी है, कितनी चला d गया और d वापस आया, टोटल टाइम कितना लगा, देखो d/v1 प्लस d/v2। ओके, सॉल्व करो, तुम्हें मिल जाएगा 2v1 v2 / v1 + v2। और एवरेज वेलोसिटी, ये हो जाएगा 0।